दीपांशु, अनिल जी दो कैश मार्केट के स्टॉक है। पहला स्टॉक रहेगा एक पेपर स्टॉक है, पेपर सेक्टर अच्छा लग रहा है, इसमें कब कुछ ट्रैक्शन शुरू हुआ है, तो यहाँ से जो बेस्ट फंडामेंटली अच्छी कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 625 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 660 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 615 का स्टॉप लॉस रखना है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर है भारत की, जिसके पास इंटीग्रेटेड पल्प मिल है विथ एम्पल पावर, कैप्टिव पावर है इनके पास, 22 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, 70 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है और एक अच्छी खासी 3,20,000 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है। इनके ब्रांड्स भी बहुत पॉपुलर और हर सेगमेंट में है, मतलब राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर, फिर कॉपियर है और आपके पैकेजिंग पेपर, और वहाँ पे ब्रांड्स जो इनके वेस्को, फिर B2B, कॉपी प्लस, डॉक्यूमेंट, कॉपी गोल्ड, ये सब पॉपुलर ब्रांड्स है जो कि काफी सेगमेंट में पॉपुलर है। बाकी जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और ई कॉम की पैकेजिंग में पेपर का यूसेज हो रहा है, तो उससे काफी डिमांड बढ़ रही है और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, एक नेग्लिजिबल डेट वाली कंपनी है और वैल्यूएशंस भी 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। प्लस इसमें वैल्यूएशन का और भी ट्रिगर है, आंध्रा पेपर में ये 72.31% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आती है अराउंड 1500 करोड़, जबकि कंपनी की खुद की मार्केट कैप आज 4,100 करोड़ की ही मार्केट कैप है, तो उसमें 1500 करोड़ तो ये भी है उसमें, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं, और FISDAs भी अराउंड 14-15% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन लाइफ है, HSBC है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब चलने को तैयार है, खरीदारी करनी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 660, स्टॉप लॉस ऑफ 615। ओके, तो ये है आपके लिए वेस्ट कोस्ट पेपर, जहां पर करेंगे खरीदारी इस समय 660 के टारगेट के लिए। सिटी साहब जुड़े रहे हैं, दूसरी कॉल के लिए भी आता हूं आपके पास, उससे पहले आई अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटजी है तैयार।